हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेक्स्ट ऑफ योर चैप्टर सेकंड चिल्ड्रन एट वर्क, एज एवरीबडी नोज इट वेल दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर एंड जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस टेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स मैंने आपको वेलू और जया की स्टोरी के बारे में बताया था और उसी के टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके सेकंड चैप्टर व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टूक सम टाइम टू गेट ऑफ जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकी वेलू उस समय उसी उसी ट्रेन में से उतरा वैन जब ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म जब वो अंत में प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था हिज लेग्स फेल्ट वॉबली उसकी टांगे कांपती हुई महसूस हुई एज इफ मानो की ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में था और आउट ऑफ द वे अ वेंट बाय विद अडेड ट्रॉली उसी के पास से रास्ते से बाहर एक कुली एक पोर्टर एक भरी हुई ट्रॉली को ले जाता हुआ गया hmm. जम्ब्ड असाइड वेलू एक तरफ कूदा ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म वो बैठा एक बेंच पर प्लेटफॉर्म पर पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन रखते हुए या रखकर अपने छोटे से बंडल को नीचे इन ऑल हिज 11 इयर्स अपनी 11 वर्ष की आयु में ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल वह कभी नहीं देख चुका था इतने सारे लोग एक्सेप्ट सिवाय वंस एक बार अयर वर्ष में एट विलेज अपने गांव में by, लोग चले हिम, उसी से कर, विद सूट केस, उसके अपने सूटकेस के साथ अ वॉइस अनाउंसड समाउड स्पीकर एक आवाज ने अनाउंस किया घोषणा की समथिंग कुछ ऑन अ लाउड स्पीकर एक लाउड स्पीकर पर नियर हिम अ ग्रुप ऑफ सेट ऑन नियर हिम उसके पास अ ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक समूह सेट बैठा हुआ ऑन पर देर लगेज अपने सामान के साथ लुकिंग एट अ टीवी लुकिंग एट अ टीवी एक टीवी को देखते हुए हैंगिंग फ्रॉम द रूफ जो छत से लटका हुआ था द नॉइस वॉज टेरिबल शोर भयंकर था वे लुक फुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज वेलू ने रखा अपने सर को नीचे अपने घुटनों पर फीलिंग माइजरेबल महसूस करते हुए दुख को एंड एक्स हॉस्टेड थकान को वो काफी दुखी था और थका हुआ था ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज वह भाग चुका था अपने गांव से टू डेज एगो दो दिन पहले फोर टू डेज ही हैड इटन दो दिन से वह नहीं वह खा चुका था नथिंग कुछ भी नहीं उसने दो दिन से वह कुछ भी नहीं खा चुका था बट लेकिन some peanuts and a piece of jaggery, कुछ मुंगफली खाई थी एंड अ पीस ऑफ जैगरी गुड़ जैगरी बोलते हैं गुड़ को गुड़ के कुछ टुकड़े खाए थे इन बंडल अपने बंडल में ही कैरीडा शर्ट वो एक शर्ट लेके आया अ टॉवल एक तोरिया लेके आया एंड अ कॉम और एक कंघा लेके आया

वेलू के पास पैसे नहीं थे फॉर अ टिकट एक टिकट के लिए बट लकीली लेकिन सौभाग्यपूर्ण द टिकट कलेक्टर नहीं आए जो अनारक्षित कंपार्टमेंट था उसका अनारक्षित डिब्बा था उसमें नहीं आए ही हैड ट्राई टू स्लीप उसने को, वह कोशिश कर चुका था सोने की ऑन द फ्लोर फर्श पर नियर द डोर दरवाजे के पास अ ग्रुप ऑफ मैन एक व्यक्तियों लोगों का समूह नेक्स्ट टू हिम उसके आगे ही उसके बराबर में हैड प्लेड कार्ड्स वो कार्ड्स खेल चुके थे या कार्ड्स खेल रहे थे एंड शाउटेड ऑल नाइट और वो पूरी रात चिल्लाए थे आई वॉट न्यू टू टाउन है अरे तुम क्या तुम इस टाउन में नए हो कॉल्ड आउट रफ वॉइस एक रफ वॉइस ने रफ आवाज ने पुकारा तेज आवाज ने पुकारा वेलू ओपन हिज आईज वेलू ने अपनी आंखें खोली देर वर लॉट ऑफ पीपल वहां बहुत सारे लोग थे स्टैंडिंग खड़े हुए अराउंड चारों ओर। बट लेकिन नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम लेकिन कोई भी उस पर नहीं देख रहा था हियर ए eh, अरे यहां He turned around. वह चारों ओर मुड़ा Behind him, उसके पीछे was a girl, एक लड़की थी Around his own age, लगभग उसी की एज की वियरिंग लॉन्ग बनियान एक लंबा बनियान पहने हुए दैट केम डाउन टू हर नीज जो उसके घुटनों तक आ रहा था हर हेयर वॉज स्टेफ उसके बाल बिखरे हुए थे एंड ब्राउनिश और ब्राउनिश थे एंड शी हैड अ ह्यूज सैक और उसके पास एक बहुत बड़ा एक बोरा था वैसे सैक बोरी होती है एक बड़ी बोरी थी ऑन वन शोल्डर एक कंधे पर शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स वो गंदे प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर फर्श से एंड स्टफिंग दैम और उन्हें रख रही थी

वेलू मटर्ड वैल्यू वेलू कुछ वैल्यू वेलू बंडल पर देखते हुए रन अवे फ्रॉम होम घर से भागे हुए हो वेलू डिडेंट आंसर वेलू ने उत्तर नहीं दिया ही डिडेंट स्ट्रेंज गर्ल वह नहीं चाहता था बताना कुछ भी किसी विचित्र लड़की को व्हाट ही जो वह कर चुका था ही हैड रन अवे बिकॉज ही हैड ही कूडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे वह भाग चुका था बिकॉज क्योंकि ही कूडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम वह नहीं खड़ा हो सकता था अपने पापा की पिटाई के सामने फॉर वन मोर डे यानी वो अपने पिता की पिटाई को और एक दिन भी नहीं सहन कर सकता था हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी उसके पिता छीन चुके थे उससे सारे पैसे वेलू एंड ही सिस्टर जो वेलू ने और उनकी सिस्टर ने कमाए थे एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक और वो सारे शराब पीने में खर्च कर चुके थे डोंट थिंक आई डोंट नो मत सोचो आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं दिस प्लेस जानती हूं दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू यह स्थान भरा हुआ है बच्चों से तुम्हारे जैसे सौ इसलिए वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर सो इसलिए वॉट आर यू गोइंग तुम क्या करने जा रहे हो यहाँ बिकमरिच क्या धनवान बनने जा रहे हो शी सेट डाउन नेक्स्ट हिम वो उसके बराबर में बैठ गई वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली वेलू थोड़ा सा खिसक गया उससे दूर ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम उसने अपने आप को पकड़ते हुए भूख को महसूस किया एंड प्रेस्ड हिज स्टमच और उसने अपने पेट को दबाया विद ग्रीमेस एक दर्द के साथ हंगरी भूख आज द गर्ल लड़की ने पूछा यू वांट गेट फूड बाय सिटिंग हियर गलमली यू वांट गेट फूड तुम्हें खाना नहीं मिलेगा बाय सिटिंग बैठने से हियर यहाँ गलमली दुख के साथ मेकिंग फेसेस ऐसे दुखी भरे फेस बनाने से आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहते हो शी पिगड़ उसने अपनी बोरी उठाई एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे और उसने चलना शुरू कर दिया वेलू वेलूड ऑन द बेंच वेलू बेंच पर बैठा ठहरा रहा वॉट शुड ही डू उसे क्या करना चाहिए शुड ही फॉलो दिस गर्ल क्या उसे इस लड़की का अनुसरण करना चाहिए उस लड़की को फॉलो करना चाहिए वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम वह कहा जा रही थी उसे लेकर शी वॉज डिस इन टू द क्राउड वह भीड़ में अदृश्य होती जा रही थी सो so, इसलिए ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली सो इसलिए उसे अपने मन में तुरंत सोचना था और ठीक right, है ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया एनी anyway, फिर भी आई हैव नो आइडिया मेरे पास कोई विचार नहीं है वे आर टू गो कहाँ जाना है ही जम्ब अप वह कूदकर खड़ा हुआ एंड रैन आफ्टर हर और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा शी वॉज इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज शी वॉज एंट इवन लुकिंग वो नहीं देख रही थी बैक टू सी वेयर ही वॉज पीछे वापस कि वह जहां वह था कि वो उसके पीछे था या नहीं था सो so, स्टूडेंट्स आज हम आपको यही एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है इसका सेकेंड पार्ट आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा थैंक यू और स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को इस चैप्टर को कम से कम दो या तीन बार इस चैप्टर को पढ़ें ताकि आपको फर्स्ट पार्ट यहां तक समझ में आ जाए और आप ध्यान से इसे दो तीन बार कम से कम जरूर पढ़ें इससे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा थैंक यू